कल हरियाणा के जर्जर में आए भूकंप से दिन भर हड़कंप मचा रहा। भूकंप के कारण दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में भी भूकंप के चलते सनसनी फैली रही। यह इलाके भूकंप की दृष्टि से बड़े खतरनाक मोड़ पर माने जाते हैं, लेकिन वहीं भूकंप विभाग के वैज्ञानिक मुकुट लाल शर्मा का कहना है कि ऐसे भूकंप दिल्ली वेस्ट में अक्सर आते रहते हैं, जहां पर हमेशा भूकंप पैदा करने वाले सोर्सेज होते हैं कि इस इलाके में महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट एक्टिवेट होने के कारण ही भूकंप का आना बना रहता है, लेकिन बड़े भूकंप के आने का उनके पास भी कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए विदेशों के मॉडल की मदद लेनी पड़ती है। ये दिल्ली के वेस्ट में एक ऐसे एरिया में आ रहा है जहां ऑलरेडी हमारे जो साइस्मोजेनिक सोर्सेस हैं, जो अर्थक्वेक्स पैदा करने वाली सोर्सेस हैं, वो वहां है। इस एरिया में अगर आप देखें तो दिल्ली फोल्ड बेल्ट है बीच में, जो दोनों तरफ से घिरी हुई है, महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट जो वेस्टर्न साइड में है और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो ईस्टर्न साइड में है। इन तीनों की वजह से वहाँ अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और बेसिकली जो महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट है वो एक्टिवेट होता रहता है बीच बीच में, जिसकी वजह से ये आते हैं। ये सारे स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक्स हैं, लेकिन क्योंकि ना तो इनका कोई मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है ना इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ये 3.5-4 के बीच में ही पिछले 20-20 साल के इंटरवल में आते हैं। तो ऐसे अर्थक्वेक अगर सेस्मोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे अर्थक्वेक तो बहुत सालों तक चलते रहते हैं, इनको करेक्टरिस्टिक अर्थक्वेक कहते हैं। देवभूमि न्यूज़, रुड़की।